तो गाइस मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करने वालों को ही सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वही सारी दिक्कतों को मिटाने का जो बोझ है वो मैंने अपने कंधों पे ले रखा है। तो जितने भी मोबाइल स्ट्रीमर्स हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, और जितना ज्यादा सोल्यूशन हो सके मेरे तरफ से मैं ढूंढ ढूंढ के आप लोगों की मोबाइल स्ट्रीम को ईजी से ईजी बनाने की कोशिश करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की लाइव स्ट्रीम में आप कैसे ऐड कर सकते हो वही बताने की कोशिश करता हूँ। तो यार ये वीडियो में मैं आप लोगों से एक नया और एक प्यारा सा भारतीय ऐप बताने वाला हूँ, जो कि इंडियन ऐप है, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। और इस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को हम लोग एक ऑल इन वन लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी 90% मुसीबतें जो है, मतलब जो भी आपकी 90% मोबाइल से स्ट्रीम करने वाली दिक्कतें हैं उनको ये ऐप में सॉल्व किया गया है। तो गाइस इस ऐप की अगर खासियतों की बात करें तो मैं गिनाना शुरू करता हूँ आप लोगों को, और मैं जितनी गिनाऊंगा वो कमी पड़ेगी। तो सबसे पहली खासियत तो ये है कि आप मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, मतलब आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे दोनों जगह पे फ्री में लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, एक साथ लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। दूसरी खासियत जो कि मुझे अभी तक किसी मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में नहीं दिखी, वो है 1080p में आप अपनी मोबाइल की लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, अपने गेम प्ले की लाइव स्ट्रीम जो है वो 1080p में कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग 720p तक ही करते हैं, और सारी ऐप 720p तक ही सपोर्ट करती है मोबाइल वाली, बट ये 1080p तक सपोर्ट करता है। और तीसरी खासियत की बात करें तो जब भी कोई आपको कमेंट करेगा, या जब भी कोई आपको सब्सक्राइब करेगा, या जब भी कोई आपको डोनेट करेगा आपकी लाइव स्ट्रीम पे, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल पे ही दिखेगी। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पीसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अलर्ट्स सब कुछ जो चीज़ है वो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे ही दिखाई देगी। तो गाइस इस ऐप में अगली खासियत की अगर बात करें तो अगर आपको आपकी स्ट्रीम को दूसरों की लाइव स्ट्रीम से अलग बनाना है और थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आपको यहाँ पे ओवरले ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने पसंद के मुताबिक जो भी ओवरले यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप ऐड कर सकते हो। सिर्फ ओवरले ही नहीं, उसमें आप अपना UPI ऐड कर सकते हो, आप अपना पेटीएम नंबर ऐड कर सकते हो, आप अपना फेसबुक हैंडल का नाम ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल का यूजर नेम ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ओवरले में ऐड कर सकते हो, सो दैट आपके लाइव स्ट्रीम पे आने वाले सभी व्यूअर्स को पता चले और वो लोग आपको वहां पे भी फॉलो कर पाए। तो गाइस ये थी कुछ खासियत इस ऐप की, और भी खासियत इस ऐप में मिलेगी आपको, वीडियो को पूरा देखो, आप लोगों को सारी जानकारी इस ऐप के बारे में मिल जाएगी। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है TURNIP, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो गाइस चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आप लोगों को बताता हूं इस ऐप को आपको यूज कैसे करना है। तो गाइस ये ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा स्टार्ट। जब ये ऐप स्टार्ट हो जाएगा तो ये कुछ आपको ये सारी स्क्रीन दिखाएगा, इसको हम लोग स्वाइप कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं गेट स्टार्ट पे क्लिक। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, यहाँ पे उस पर करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको अपना यूट्यूब अकाउंट ऐड कर लेना है, मतलब जो भी अकाउंट पे आप स्ट्रीम करना चाहते हो वो सारे अकाउंट्स को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल अपना एक जो मेरा रियल अकाउंट है दूसरा वाला वो मैं ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ अलाउ। अलाउ करने के बाद यहाँ पे मेरा यूट्यूब अकाउंट हो चुका है ऐड। उसके बाद अगर आप फेसबुक पे भी साथ में स्ट्रीम करना चाहते हो और फेसबुक पे भी अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो यहाँ पे आप अपना फेसबुक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब अकाउंट को ऐड कर रहा हूँ, और हम लोग चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अकाउंट ऐड करने के बाद एक बार आपको बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप स्ट्रीम वाली बटन पे हम लोग करेंगे क्लिक। सेटअप स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद आप जो भी गेम को स्ट्रीम करना चाहते हो वो गेम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी से ये स्ट्रीम करने वाले समझ लो एग्जाम्पल के लिए, तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप जो भी गेम स्ट्रीम करना चाहते हो वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मोर गेम्स पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे और भी बहुत सारे गेम्स के नाम आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे भी अगर आपको वो गेम का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सबसे आखिरी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोर वाला, तो मोर पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके फोन में जितने भी गेम्स और एप्स डाउनलोडेड है इंस्टॉल्ड है वो सारे गेम्स और एप्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो जो भी आप स्ट्रीम करने वाले हो उसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद बस वो सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, उसके बाद हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग वेरी सरप्राइज, तो मैंने सरप्राइज पे यहाँ पे रखा है इसको। आप क्या खेलने वाले हो, सोलो खेलने वाले हो, स्क्वाड खेलने वाले हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सी भाषा का प्रयोग आप करने वाले हो अपनी लाइव स्ट्रीम पे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, इंग्लिश में बात करोगे, हिंदी में बात करोगे, या फिर इंग्लिश में बात करोगे, इंग्लिश मतलब वही हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सचर। तो फिलहाल हम हिंदी पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी स्ट्रीम का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ को एडिट कर सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, बट आप जो भी एडिट करना चाहो वो एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो।
मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ और मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप स्ट्रीम क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था 1080p में भी आप स्ट्रीम कर सकते हो, तो फिलहाल मैं 1080p सिलेक्ट करके रखता हूँ। ये आप अपने नेट की स्पीड के हिसाब से सिलेक्ट करो। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है, स्पीड आपकी इंटरनेट का स्पीड अच्छा है 4 Mbps के ऊपर है, तो आप 1080 को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, जो भी 480p या 360p जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 1080p रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो दिखाई दे रहा है प्राइवेट स्ट्रीम, इसको अगर आपको अनलिस्टेड स्ट्रीम करना है या प्राइवेट स्ट्रीम करना है तो वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, टच कर सकते हो। बट अगर आपको पब्लिक स्ट्रीम करना है अपने दर्शकों के लिए, तो इसको यहाँ पे टिक मत करो, इसको अनटिक ही रहने दो। फिलहाल मैं टिक कर देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको स्ट्रीम कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है। अगर आपको सिर्फ यूट्यूब पे स्ट्रीम करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब को ऑन करो। अगर आपको यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे साथ में स्ट्रीम करना है तो आप फेसबुक को भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल हमने सिर्फ यूट्यूब अकाउंट को ऐड किया है, हम यूट्यूब अकाउंट पे फिलहाल सिर्फ स्ट्रीम करने वाले हैं। तो आप दोनों पे करना चाहते हो एक साथ, तो आप दोनों को ऑन यहाँ पे कर सकते हो और दोनों पे एक साथ स्ट्रीम कर सकते हो। मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको कुछ परमिशंस मांगेगा, तो वो आप दे दो। यहाँ पे टेक पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियो और रिकॉर्ड ऑडियो दोनों को अलाउ कर दिया हमने। अलाउ करने के बाद आपको पकड़ लेना है लैंडस्केप मोड पे। यहाँ पे हमें हमारा सुंदर सा मुखड़ा भी दिखाई देगा। अगर आपको फेस कैम के साथ स्ट्रीम करना है तो आप ऐसे कर सकते हो स्ट्रीम। अगर आपको शर्म आता है आपका मुंह दिखाने में, तो आप यहाँ पे कैमरा वाली बटन पे क्लिक करके अपना फेस कैम बंद भी कर सकते हो, फेस कैम बंद कर सकते हो। सबसे ऊपर माइक का ऑप्शन है, माइक के ऑप्शन को ऑन रहने दो, क्योंकि बिना बात करे स्ट्रीम करने का कोई महत्व नहीं होता। तो माइक के ऑप्शन को हरदम ऑन रखिए। और जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है जादू की छड़ी, जादू की छड़ी वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ओवरले ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी ओवरले आपको पसंद आता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं जब भी स्ट्रीम करता हूँ तो मेरी स्ट्रीम का थीम और रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन रहता है, तो मैं यहाँ पे रेड ब्लैक वाले ओवरले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना पेटीएम नंबर ऐड कर सकते हो, यूपीआई हैंडल ऐड कर सकते हो, जो भी आपका यूपीआई है। उसके बाद आप अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम, इंस्टाग्राम हैंडल नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ट्विटर ऐड कर सकते हो, फेसबुक ऐड कर सकते हो, मतलब आपकी सोशल मीडिया सब आप ऐड कर सकते हो जो आपके ओवरले पे दिखाई देगा। इससे आपके व्यूअर्स जो है बाकी सोशल मीडिया पे भी आपको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद सभी चीज़ आप सेव पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रहा है ये प्रीव्यू कि कैसा है आपकी स्ट्रीम दिखने वाला है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये जो दिख रहा है इंस्टाग्राम का नाम और यहाँ पे यूपीआई का नाम और पेटीएम नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ओवरले में दिखाई देगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई इस ऐप में। उसके बाद जब आपने सारी चीज़ों को सेट कर लिया तो आपको यहाँ पे सिंपली स्टार्ट स्ट्रीमिंग वाले बटन पे करना है क्लिक, और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट स्ट्रीमिंग वाले बटन पे क्लिक करने के बाद तुरंत आपकी लाइव स्ट्रीम शुरू नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी गेम आप स्ट्रीम करने वाले हो वो गेम ऑटोमेटिकली आपका ओपन हो जाता है, और अभी भी हमारी स्ट्रीम शुरू नहीं हुई है। तो बाकी ऐप्स में ये होता है कि आप जब भी स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट स्ट्रीम शुरू हो जाती है, फिर आप होम बटन पे क्लिक करते हो मोबाइल के, उसके बाद अपना गेम शुरू करते हो, तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है स्ट्रीम पे। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत पसंद आई इस ऐप की कि आप जैसे ही स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक करते हो पहले ही आपका गेम शुरू करता है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कब आपको स्ट्रीम स्टार्ट करना है रियल में। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो बबल दिखाई दे रहा है ये वाला, इस बबल को हमको करना है क्लिक, ठीक है। तो जैसे ही इस बबल को हम लोग क्लिक करेंगे हमारी लाइव स्ट्रीम ऑन हो जाएगी, मतलब हम लाइव चले जाएंगे। तो अभी हमारा गेम जैसे आप देख सकते हो कि शुरू हो ही चुका है, तो हम लोग इस बबल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस बबल पे क्लिक करेंगे हमारी स्ट्रीम हो चुकी है लाइव, लाइव है अभी हम लोग। और जो आप लोगों को चीज़ें दिखाना चाहूँगा मैं, जब आप ये बबल पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को चैट दिखाई देगी आपकी, जो लोग भी आपको कमेंट करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके नीचे जब भी कोई आपको वो लाइव स्ट्रीम के दौरान, जो स्ट्रीम आप कर रहे हो उसके दौरान जब आपको कोई सब्सक्राइब करेगा तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, और जब कोई डोनेट करेगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है, और सिर्फ यही नहीं दिखाई देगा चैट और सब्सक्राइबर और डोनेशन, जब आप स्ट्रीम करते रहोगे, जब आप खेलते रहोगे तो जब भी कोई आपको कमेंट करेगा तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे भी दिखाई देगा, आपको एक छोटा सा अलर्ट आएगा। जो आपको कोई कमेंट करेगा तो वो यहाँ पे दिखाई देगा, जब कोई सुपर चैट करेगा तो उसका भी अलर्ट आएगा, और जब कोई डोनेट करेगा तो उसका भी अलर्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर आपको स्ट्रीम करते हुए कोई प्राइवेट चीज़ करनी है आपके मोबाइल पे जो आपको अपनी स्ट्रीम पे नहीं दिखानी है, तो उसका भी ध्यान रखा गया है इस ऐप में। आप यहाँ पे बबल पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप वाली रेड बटन जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो एक शील्ड वाला ऑप्शन है। ये शील्ड वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो ना
तो ये शील्ड मोड ऑन हो जाता है और आपकी स्ट्रीम पे आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई देती है, वहां पे दिखाई देता है बी राइट बैक वाली स्क्रीन। तो जब भी आपको कुछ प्राइवेट काम करना है अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान, तो आप इसको शील्ड मोड को ऑन कर सकते हो और अपना प्राइवेट काम अपनी लाइव स्ट्रीम पे ही कर सकते हो। जैसे ही आपका वो प्राइवेट काम खत्म हो जाता है और आपको फिर से अपना गेम दिखाना है आपकी लाइव स्ट्रीम पे, शील्ड मोड को ऑफ कर दो और बढ़िया से अपना गेम एंजॉय करो और लाइव स्ट्रीम करो। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दो और जरूर एक बार ये ऐप को ट्राई करो, क्योंकि यार ये इंडियन लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है तो एक बार ट्राई करना तो बनता है।